हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू ME5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे ME5 चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों एक करियर अपॉर्चुनिटी जो कि फिशरीज और एक्वा कल्चर से रिलेटेड होगा। जी हाँ, एक्वा कल्चर क्या होता है, फिशरीज क्या होता है, उसमें आप अपने करियर को किस तरह से जो है परस्यू कर सकते हैं, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इसके एडमिशन प्रोसेस है और करियर स्कोप क्या होने वाला है, सारा कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगा दोस्तों। कोर्सेज एंड ड्यूरेशंस के बारे में, सैलरी के बारे में और ऐसे ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जहां पे आपको इस फिशरीज के रिलेटेड भी कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों। कई सारे बच्चों को पता नहीं होता है और कई सारे ऐसे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के ज़रिए से गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर करते हैं। तो सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं मेरे द्वारा या फिर विकास जी के द्वारा और अभिषेक सर के द्वारा जो टाइम टू टाइम आते रहते हैं दोस्तों, टॉप कॉलेजेस के रिलेटेड, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, और एक नया एपिसोड हमने शुरू किया है उसका नाम है किस, ओके, जहाँ पे बच्चों के सारे डाउट्स डिस्कस किए जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है वो, ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक और शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नाम में ही क्लियरली लिखा है फिशरीज एंड एक्वा कल्चर, जो कि कम्प्लीटली रिलेटेड है फिशेस से रिलेटेड दोस्तों, के फिशेस हो गया या फिर उनके कमर्शियल पर्पज़ के लिए आप किस तरह से उनको पकड़ के बेचा जा रहा है। इट इन्वॉल्व्स एक्वा कल्चर, गेयर्स, नेविगेशन, ओके, ओशनोग्राफी, एक्वेरियम मैनेजमेंट, ओके, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सी फूड, सारा कुछ इसी से रिलेटेड होता है दोस्तों, राइट। एंड फिशरी का जो ऑक्यूपेशन है, सो इट इज़ नथिंग बट प्रोसेस करना, ओके, फिशेस को पकड़ने के बाद उसको पैकेजिंग करना, सारा कुछ इसी में इंक्लूड होता है। एंड एक्वा कल्चर इज़ ए कल्टिवेशन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। नॉट ओनली द फिश, शेल फिश भी आपने देखा होगा, सी वीड आपने देखा होगा, कई बार न्यूज़ में दिखाता है। इन नेचुरल एंड कंट्रोल मैराइन और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स में इसको डेवलप करना, इसका नाम है एक्वा कल्चर दोस्तों, ओके। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 500 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है फिशरीज और एक्वा कल्चर पर डिपेंड होते हैं। इनफैक्ट हमारे इंडिया में भी कई सारे ऐसा सेक्टर है, सेपरेट ग्रुप है जो इस फिशरीज पे, एक्वा कल्चर पे अपनी ज़िंदगी गुजारता है दोस्तों, राइट। एंड कोर्सेज एंड ड्यूरेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको बैचलर कोर्सेज जो कि 4 साल का होता है, दैट इज़ बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेज, बैचलर ऑफ साइंस होता है 3 साल का, और बीएससी होता है फिशरीज 3 साल का, एंड बीएससी एक्वा कल्चर 3 ईयर्स का होता है दोस्तों, राइट। और उसके बाद आप जो है अपने कई तरह के नोटिफिकेशंस पढ़ते रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ओके, वहाँ पे आप एग्ज़ाम्स लिख के जॉब को पा सकते हैं या फिर आप हायर स्टडीज़ पे भी जा सकते हैं जहाँ पे मास्टर कोर्सेज हैं, जिसे मास्टर्स ऑफ फिशरी साइंसेज 2 साल का कहते हैं, ओके, एंड मास्टर ऑफ साइंस 2 ईयर्स का होता है दोस्तों इसमें, राइट। और उसके बाद स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्वाटिक बायोलॉजी एंड फिशरीज में आप अपने स्पेशलाइजेशंस को कर सकते हैं, या फिर कोस्टल एक्वा कल्चर एंड मैराइन हो गया, या फिर आप फिशरी साइंस एंड एक्वा कल्चर में काम कर सकते हैं दोस्तों, ओके, इंडस्ट्रियल फिशरीज, लिमिनोलॉजी फिशरीज और मेरीन बायोलॉजी एंड फिशरीज में आप काम कर सकते हैं, राइट। और कई तरह के ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको एक टॉप कॉलेजेस मान के चल सकते हैं, फिशरीज में आपको कई तरह के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों, जैसे IIT खड़गपुर हो गया और दूसरा जो है कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरला, एंड उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, बहुत बार सुना होगा आपने नाम, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई में है। उसके बाद आ गई हमारी सेंट्रल मराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि केरला में है दोस्तों, ओके। ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जो एकेडमिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं आपको फिशरीज में, जहाँ पे आप एग्ज़ाम्स लिख के अपने करियर को अच्छे रैंक ला के परस्यू कर सकते हैं आपके कोर्स को। और रही बात अभी एडमिशन प्रोसेस की, इन कॉलेजेस में एडमिशन किस तरह से लें, देखिए अगर आप एक फिशरी या फिर एक्वा कल्चर ग्रेजुएट बनना चाहते हैं तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा जो कि एक ICAR कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा डिफर होता है एंट्रेंस टेस्ट व्हेन कंपेयर टू द अदर्स कोर्सेस, ओके, तो एक ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है ICAR के द्वारा। ICAR का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जी हाँ, उनके द्वारा एक ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आपने अच्छे से रैंक ला लिया, ओके, कट ऑफ वगैरह सब पार कर लिया, तो आपको जो बड़े बड़े कॉलेजेस जो अभी मैंने आपको बताए हैं उसमें
एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है दोस्तों। उसके अलावा भी कई तरह के ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो अपने खुद के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं दोस्तों, क्लियर। एंड मेन इंपॉर्टेंट बात जॉब्स एंड करियर की बात करें तो यहाँ पे आपको तरह तरह के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, ल्यूक्रेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपका अवेलेबल होते हैं दोस्तों इधर, ओके। आप जो एक ऐसे पोस्ट इंस्ट्रक्चर की तरह काम कर सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट हो गया, बायोलॉजिस्ट हो गया, टेक्नीशियन की तरह आप इसमें काम कर सकते हैं दोस्तों, राइट। एंड कई तरह के ऐसे गवर्नमेंट एजेंसीज है जिसे हम सेंट्रल एजेंसी भी कहते हैं, जहाँ पे फिशरी ग्रेजुएट्स को एज ए टेक्निकल ऑफिसर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर्स की तरह भी आपको काम करने को मिलेगा, ओके। कौन से ऐसे एजेंसीज हैं, जैसे कि मैराइन प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज हो गया, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया दोस्तों, ओके। ये सारे जो है गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। अब बहुत फेमस एजेंसी है फसाई, जिसे हम कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, और फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सिर्फ फिशरीज ग्रेजुएट्स को लिया जाता है एज ए टेक्निकल ऑफिसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्कोप है इन लोगों का और इनकी सैलरी पैकेजेस क्या लेवल की होगी दोस्तों, राइट। और क्या क्या जॉब टाइटल्स होते हैं यहाँ पे, फिशरीज बायोलॉजिस्ट हो गया, फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर की तरह आप काम कर सकते हैं, या फिर फिशरीज ऑफिसर, या फिर फिशरी मैनेजर हो गया, ऑब्जर्वर की तरह आप काम कर सकते हैं दोस्तों। तरह तरह के जॉब टाइटल्स है, न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। सो घबराइएगा मत, क्योंकि नया करियर का नाम सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें जॉब होंगे या नहीं, बहुत सारे हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट में ज़्यादा हैं इसमें आपको देखेंगे। एंड रिक्रूटर्स की बात करें तो फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, फूड डिपार्टमेंट, बैंक्स में, फिश ब्रीडिंग फॉर्म्स में, ओके, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो हमने इसके करियर के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था मेरे प्रीवियस वीडियो में। तो तरह तरह के रिक्रूटर्स कंपनीज हैं, उसके अलावा भी जो गवर्नमेंट के एजेंसीज मैंने बताए वो भी आपको टाइम टू टाइम सेलेक्ट करते रहते हैं, हायर करते रहते हैं थ्रू वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी की बात करें, देखिए सैलरी इन प्राइवेट सेक्टर आपको शुरुआत होगी 2.5 to 3 lakh पर ईयर दोस्तों, ठीक है। वही अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 3 to 5 lakh पर एनम से वहाँ पे शुरुआत होती है। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप एक अच्छी पोजिशन पर चले जाएंगे, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, तो वहाँ पर जो सैलरी होती है आपको मिनिमम 10 to 11 lakh पर एनम चली जाती है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी जाती है। सो दिस इज़ अ बेसिक ओवरव्यू, बेसिक आइडिया ऑफ करियर इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। सो उम्मीद है कि आपको एक आइडिया मिला होगा कि किस तरह से हम आपके करियर को परस्यू कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।